क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सानिया सीरवी है मेरा नाम और मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके, और आपका ऑप्शनल और आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम है और ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, आपका अटेम्प्ट और इंटरव्यू कौन सा है आपका? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियर हूँ। ओके, अगर बात की जाए आपके इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू कैसा गया और कैसा आपको माहौल लगा है पूरे इंटरव्यू का? कॉर्डियल बोर्ड था, काफ़ी अच्छा माहौल था। इंटरव्यू के पहले तो मैं बात ही कर रही थी अपने फेलो एस्पिरेंट से, और इंटरव्यू मेरा जो बोर्ड था उसने मुझे कुछ भी डेफ से नहीं पूछा। डिस्कशन ओरिएंटेड था और जनरल क्वेश्चंस पूछे IR और मेजर जो भी मेंस के सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड। डेफ से मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत तो क्या रहा? थोड़ा बहुत पूछा था ऐसे, बस एक्नॉलेज किया कि अच्छा आप केमिकल इंजीनियर हो, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में घुस गए, तो मतलब एग्जैक्टली प्रिपेरेबल पार्ट नहीं था बिल्कुल, बट हाँ लिंक्ड था थोड़ा सा। थोड़ा लिंक था। ओके, करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर्स एग्जैक्टली नहीं, बट जनरल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए कि वर्ल्ड मल्टीपोलर है या कैसे मल्टीपोलर हो रही है, आपको क्या लगता है कि हो पाएगी क्या कभी, वैसे टाइप का। और सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन, कोई आपको सिचुएशन दी हो उस अकॉर्डिंग कुछ पूछा हो? हाँ, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर आप DM है और आपको सोलर एनर्जी इंश्योर करनी है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे? ओके, आपके पूरे इंटरव्यू में आपने कहीं पे सॉरी बोला? हाँ हाँ। ओके, सॉरी बोलने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है? मतलब कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है। okay. अगला क्वेश्चन पूछने लगते हैं, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं होता, कुछ खास स्माइल करते हैं और अगला क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, मतलब दे आर कॉर्डियल। बोर्ड किन का था? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का था। ओके, आपने मॉक्स दिए इससे पहले? हाँ, मैंने फॉर्मल मॉक्स तो दो ही दिए। okay. बाकी दो ऑनलाइन और वन ऑन वन सेशन लिए। रियल इंटरव्यू मॉक में आपको क्या फर्क लगता? इनफैक्ट मुझे तो लगा कि मॉक्स ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। हाँ? क्योंकि ऐसे प्रॉपरली लोग राउंड टेबल पे बैठे होते हैं, यहाँ पे तो लोग ऐसे बाजू में चेयर रख के ही बैठे थे जो बोर्ड मेंबर्स थे, बस जो चेयर थे वो थोड़ा दूर बैठे थे चेयरमैन। बाकी आई फेल्ट दिस वॉज मोर इनफॉर्मल एंड मोर कॉर्डियल। ओके, अगर मान लीजिए एक सर ने क्वेश्चन आपसे पूछा, तो दूसरे सर कब क्वेश्चन पूछते हैं और कितना गैप देके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, तो ऐसे होता है कि एक मेंबर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट तक, 5 to 6 मिनट्स, फिर नेक्स्ट मेंबर 5 to 6 मिनट्स क्वेश्चन पूछते हैं। okay. और ऐसे ऑर्डर वाइज चलता है। मतलब एक जो है सर वो आपसे 5 to 6 मिनट के क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, वो 5-6 मिनट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर पास ऑन करते हैं सेकेंड मेंबर को या थर्ड मेंबर को। ओके, आपने जब रूम में एंटर किया तो उनका रिएक्शन क्या था और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? गुड मॉर्निंग ही किया मैंने, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग किया, और फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे यही पूछा कि सानिया डू यू थिंक द वर्ल्ड इज बिकमिंग, नहीं, व्हाट डू यू चूज, यूनिपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर एशिया? तो मैंने बोला कि नहीं सर, यूनिपोलर नहीं है, मल्टीपोलर हो रही है वर्ल्ड, एंड देन दे क्रॉस क्वेश्चन फर्दर। ओके, अगर बात की जाए आपके इंटरव्यू जो आपने एंड हुआ तब उन लोगों ने मतलब किस तरीके से आपको बाहर भेजा? उन्होंने बोला थैंक यू सानिया, योर इंटरव्यू इज ओवर। मैंने बोला थैंक यू सर। उन्होंने बोला कि ऑल द बेस्ट। मैं आगे। आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला है? आइडिया कुछ वॉच नहीं थे मेरे पास, बट आई गेस हाफ एन आवर चला होगा। ओके, काफी देर तक चला है आपका इंटरव्यू। ओके, हाँ, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स की आपने किस तरीके से तैयारी की और बेस्ट तरीका आपको क्या लगता है तैयारी करने का है? मैंने प्रीलिम्स पहले पास नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में पहली बार हुआ है, तो आई थिंक उसमें बहुत मेजर लर्निंग है मेरी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस करें, और उन कुछ बुक्स आती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरा एनालिसिस देती है ऑप्शंस का भी, और एग्जैक्टली कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है वो करना इंपॉर्टेंट है। तो इवन इफ तुम मॉक्स नहीं दे पा रहे प्री के, इट्स फाइन, बट PYQ अच्छे से कवर्ड होने चाहिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब आई थिंक वही सब कुछ वही है सॉर्ट ऑफ। ओके, आपने मेंस कितनी बार लिखा है? मेंस भी है मेरा फर्स्ट टाइम था। प्रीलिम्स में जो आप रुक रहे थे दो बार, तो आपको कहाँ पे आपको गलती लग रही थी, ऐसा आपको लगा कुछ छूट रहा था, कहाँ पे आपको गलती लगी थी? मेरी पर्सनली तो ये गलती थी कि मैं अटेम्प्ट कम क्वेश्चंस करती थी। ओके, तो आई गेस एक्यूरेसी परसेंटेज उतना ही रहता है मेरा, बट कम अटेम्प्ट करने के कारण वो बाउंड्री लाइन से छूट जा रहा था, तो इस बार मैंने 91 अटेम्प्ट किए थे, तो आई थिंक दैट मेड द डिफरेंस। अगर सी सेट की बात करें तो सी सेट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सी सेट काफ़ी टफ होता जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सी सेट आई थिंक उसमें भी PYQs कर लेते चाहिए लोगों को। मतलब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में स्टिल मैंने एक बार कर लिए थे, सारे PYQs कर लिए थे सॉल्व, उन्हीं का एडवांस वर्जन आता है आजकल। जी जी। तो वो पर हाँ, उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी सेट छोड़ दिया, उस पर प्रॉपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी आपने जो दो बार प्रे दिया है उसमें सी सेट में रुके हो या GS1 में रुके हो? GS1 में।
GS1 में दोनों बार रुके हो आप, ओके, तो आपने उस गलती को इम्प्रूव किया, उसके बाद आप आगे बढ़े, राइट? हाँ बिल्कुल। मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका फर्स्ट? मेंस का एक्सपीरियंस, मेंस सबसे ज़्यादा टैक्सिंग होता है आई थिंक, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था इनफैक्ट। एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा टफ आया था इस साल, तो वो थोड़ा शॉकिंग था, बाकी तो सही था आई थिंक। हाँ मेंस, आई थिंक मेंस सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल स्टेज भी है, तो जितना प्रिपेयर करते हैं, जो डेटा, जो लाइंस वगैरह प्रिपेयर करते हैं, वो लिख के आ पाते हैं, तो ज़्यादा फुलफिलिंग फील होता है। प्री और इंटरव्यू के बाद तो ऐसे लगता है कि अरे ये मतलब जो प्रिपेयर किया था कितना काम आया, समझ नहीं आता। हाँ आपने मेंस फर्स्ट टाइम लिखा और फर्स्ट टाइम में ही निकाल लिया, तो मेंस की आपने काफ़ी अच्छे से मतलब तैयारी की, तो मेंस में जो आंसर राइटिंग हम लिखते हैं तो उसमें आपको अकॉर्डिंग क्या ऐड करना चाहिए जो आंसर है काफ़ी अट्रैक्टिव? बहुत ही ऑनेस्टली इतना कुछ ऐड करने का टाइम नहीं होता वहाँ एंड टाइम पे, तो एक डिसेंट एवरेज क्वालिटी का आंसर सारे कंसिस्टेंसी से 200 क्वेश्चन का लिख दो ना, तो दैट इज इनफ। मतलब नो नीड टू मेक इट अ बिग डील। एंड मेजरली मुझे लगता है कि डायमेंशंस कवर होने चाहिए, और जो क्वेश्चन में पूछा है जो सब पार्ट से क्वेश्चन के, उनको एड्रेस कर लेना चाहिए। एंड अगर जैसे क्वेश्चन बड़ा है कुछ 15 मार्क्स का है, उसमें तीन पार्ट्स पूछे, तो तीनों पार्ट्स पे ट्राई एंड फिल वन पेज ईच। ओके, बट अगर नहीं हो रहा तो चिल होता है, इतना कुछ नहीं होता। ओके, सभी लोग, सभी का एक पर्सनल एक प्लान होता है कि एग्जाम रूम में बैठेंगे तो ये ऐसे ऐसे करेंगे, तो आपने अपना क्या प्लान बनाया था मेंस के लिए? मेंस के लिए यस, मेंस के लिए मैंने यही प्लान बनाया था कि पहले मैं एंथ्रोपोलॉजी फिनिश करूंगी और उसके बाद GS करूंगी। तो मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड थे क्योंकि मैं पहले क्वालिफाई नहीं कर रही थी प्री, तो मैंने मेंस की तभी नोट्स बना लिए थे, तो इसलिए मेरा मेजरली तो यही था कि रिवाइज करूंगी और पहले एंथ्रो खत्म करूंगी फिर GS खत्म करूंगी। प्री और मेंस की आपने एक साथ तैयारी की है या पहले खाली प्री में ही लगे रहे? कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका प्री नहीं निकलता तो खाली प्री पे ही लगे रहते हैं, तो आपने कैसे तैयारी की? कंटेंट तो सेम है, प्री ओरिएंटेड अलग तरह से पढ़ना होता है, मेंस ओरिएंटेड थोड़े नोट्स बनाने होते हैं। जी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बस प्री की तैयारी की थी, नहीं निकला, उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी कर ली 4-5 महीने, उसके बाद जो प्री के पहले के 5 महीने होते हैं फिर से फिर सिर्फ प्री की तैयारी की, फिर से प्री नहीं निकला, फिर वापस से जो मेंस 5 महीना है उसमें मेंस की तैयारी की, फिर मतलब वन थिंग एट अ टाइम लेके चल रही थी मैं, और फिर प्री निकल गया, तो आफ्टर दैट फिर मैंने आपने सेल्फ स्टडी किया, किसी कोचिंग को ज्वाइन किया? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में विजन की कोचिंग ली थी, क्लासरूम प्रोग्राम, बट आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूशन सेल्फ स्टडी का ही था। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने वाले उनको रिसोर्सेज सेलेक्ट करने में थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी रिसोर्सेज है, कोचिंग्स है, तो आप रिसोर्सेज के बारे में क्या करेंगे? मतलब तो जैसे पॉलिटिक्स के लिए बेस्ट बुक क्या है, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, आप क्या बुक लिस्ट की बात करें तो एक एक एग्जाम करके बता सकते हैं आप क्या? हाँ, तो कोई भी बुक से पहले इम्पॉर्टेंट है PYQs की बुक ले लो जी। और कुछ तो आता होगा ना लाइफ में, कहीं कहीं तो पढ़ा होगा जी, तो उस PYQs को सॉल्व करके देखो कॉमन सेंस से कि तुम्हारा करंट स्टेट क्या है। उसके बाद कीप आइटरेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, मतलब चेक कि क्या प्रोग्रेस हो रही है टेंजिबली। और बुक लिस्ट वही कन्वेंशनल, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए NCERT 11th और 12th की, और क्या है, एनवायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS नहीं पढ़ पाई थी मैं, बट दैट इज़ रिकमेंडेड, मैंने तो रैंडम नोट्स उठा लिए थे और पढ़ लिए थे उसके लिए। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मिडेवल और एंशियंट के लिए मैंने NCERT फॉलो करनी चाहिए, मैं नहीं कर पाई थी, मैंने उसमें भी कोचिंग के नोट्स ही उठा लिए थे। और साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, इन दोनों का साथ में मिला के मैंने एक कोर्स लिया था ऑनलाइन, शिविन सर करके उनका कोर्स लिया था, तो वो सही था, मुझे अच्छा लगा वो, उससे हो जाता है साइंस एंड टेक होलिस्टिकली कवर। ठीक है, अगर आपको UPSC का मोटिवेशन कहाँ से मिला था? मुझे एक्चुअली बचपन से थोड़ा मोटिवेशन था क्योंकि मेरे नाना IPS है, तो आई वॉज फैसिनेटेड बाई हिम, बाकी फिर बाद में कॉरपोरेट जॉब कर रही थी तो सही ही लग रही थी वो जॉब भी, बट ऐसे था कि एक बार जब सोचा है बचपन से तो फाइट मार लेती हूँ, मार ली, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे अंदर कि नहीं नहीं सोशल सर्विस करनी है, ये करना है, वो करना है। इट वॉज मेजरली एज अ करियर ऑप्शन, मुझे एक बार ट्राई करना था क्योंकि आई टॉक टू माई सीनियर्स, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, ऑन ग्राउंड काम करने मिलता है, तो दोस थिंग्स आर डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट, एक बार बनता है, बट हाँ लंबा खिंच गया बहुत। ओके, तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? न्यू स्टूडेंट्स के लिए मेरा बहुत ही
बेसिक सा मैसेज है कि स्टिक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डोंट बी वेरी मच ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड डोंट बी डीमोटिवेटेड ऑल्सो. बी वेरी प्रैक्टिकल विद द प्रेपरेशन अलॉन्ग विद पी वाई क्यूज एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस एवरी टाइम. क्योंकि होता है, ऐसा होता है कई बार कि 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं पर एक्चुअली पढ़ ही नहीं रहे हम. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1-2 महीने में तुम पी वाई क्यूज करके चेक कर लो कि कुछ प्रोग्रेस हुई है क्या. यही है बाकी तो. हाँ, थैंक यू मैम.